वहीं देखिए बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी का कहना है कि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उन्हें ये मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं सीमित क्षेत्र में काम कर रहा था, अब मेरा कार्य क्षेत्र काफी बढ़ गया है। बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता जुगल किशोर ने सुमेर सिंह से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है राज्यसभा के बीजेपी के दूसरी वरीयता के उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी। सुमेर जी, सबसे पहले तो आपका पहला टीवी इंटरव्यू होगा क्योंकि जब से आप चयनित हुए हैं, मतलब जब से आपका नाम आया था, लेकिन उसके बाद से आपने तो मीडिया से बात नहीं की। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है कि बीजेपी ने आपको राज्यसभा के लिए चुना है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं तो सबसे पहले प्रदेश के 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आत्मीय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मुझे जो दायित्व दिया है, उस दायित्व में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। ये एक प्रोफेसर से राज्यसभा के का सफ़र कितना आपको लगता है कि जीवन में एक बदलाव का वक्त है और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? बदलाव तो जीवन में है ही। पहले एक निश्चित दायरे में मैं काम कर रहा था, अब जो दायरा है वो बड़ा है और काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ाना पड़ेगी और बड़े एरिया पे मुझे काम करना पड़ेगा, तो उस सोच के साथ मैं काम करने की। अच्छा ठीक, अभी कि एक दिन आपको राज्यसभा की जो सबसे बड़ा सदन कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ तक आप पहुँचेंगे, कभी ऐसी अपेक्षा थी? नहीं, कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। पहली क्या प्रतिक्रिया रही होगी आपको जब पता चला होगा, क्योंकि हम जितना जानते हैं कि एक बहुत सामान्य परिवार से आप आते हैं, परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही होगी कि आप राज्यसभा जा रहे हैं? जब उनको ये पता चला होगा कि आप राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगे, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, क्योंकि बेहद सामान्य परिवार है आपका? हम किसान पुत्र हूँ मैं तो, मेरे पिताजी, मेरा परिवार, समाज आज भी खेतीबाड़ी करता है। राज्यसभा के लिए हमारा दलित आदिवासी समाज कभी सोच नहीं सका कि हम राज्यसभा के लिए जाएंगे, और वो राज्यसभा जाने के सपने को भी इतने आसानी से नहीं देखता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़ा दायित्व दिया है, तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का भी। आगे प्राथमिकता क्या होगी, आप क्या सबसे पहले आपका एजेंडा होगा? प्राथमिकताएं तो है ही, तय करके रखता है व्यक्ति जब इस प्रकार का, और मुझे इस लॉकडाउन में काफ़ी सोचने समझने का अवसर भी मिला। मैं इतना कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र के लिए मैं सदैव अच्छे प्रयास करूँगा, काम करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। सुमेर सिंह सोलंकी जो बीजेपी के दूसरी वरीयता के उम्मीदवार थे, हालांकि उनकी जीत सुनिश्चित है, पहला टीवी इंटरव्यू उन्होंने दिया है, अब तक वो खामोश रहे थे, कभी मीडिया से बात नहीं की थी, लेकिन उनका साफ कहना है कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राज्यसभा तक पहुंचेंगे। एक सामान्य वर्ग परिवार से आते हैं वो, उनका ये दावा है कि बीजेपी दलितों की चिंता करती है, आदिवासियों की चिंता करती है, इसलिए उनको ये मौका दिया गया है। कैमरामैन आशीष खड़े के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।